Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Halima Yasmin. Today we are going to do the skill for gynecological history taking. Let me introduce today's session to you first. First of all, I will tell you general outlines about gynecological history taking. After that, we will do a role play in a case of abdominal mass with Dr. Aisha with me. For any gynecological history taking, the steps are almost the same like any other history in a medical ward. The consent taking, the rapport building, taking care of patient's comfort and dignity, they are all very important steps. We follow the same headings. Let me tell you over here that I have consulted the books 10 Teacher and Level and John's for this session. So you can also consult the same books. The books are available in our SMC library and your PGC. So the headings for gynecological history are number one, patient's profile or biodata, presenting complaints, history of presenting illness, in which we talk about the details of presenting complaint, then gynecological history. General gynecological history includes four headings: menstrual history, sexual history, contraception and pap smear. After that, we talk about obstetric history in a gynae case as well, then past medical and surgical history, drugs, allergies, history, socioeconomic and personal history, and any transfusions or any other disorder, even mental disorders should also be asked in a case of gynae history. मेरा नाम डॉक्टर आयशा है. मैं आपसे आपकी बीमारी के मुताबिक कुछ सवाल करूँगी, क्या आप इजाज़त देती हैं? जी डॉक्टर साहब. आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर हमीदा. आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 साल. आप क्या करती हैं? मैं घर ही में रहती हूँ. पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी, मगर अब मैं घर रहती हूँ. ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने 6 जमात पास की. आप शादीशुदा हैं? जी डॉक्टर साहब. जी हमीदा, आपके शौहर का नाम क्या है? एहसान है डॉक्टर साहब. आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 5.5 साल हो गए तकरीबन. आपकी शादी खानदान के अंदर हुई है? जी, मेरे खावन मेरे चचाजात लगते हैं. आपके कितने बच्चे हैं? मेरा जी एक बेटा है 3 साल का. कोई हमल ज़ाया तो नहीं हुआ है? हाँ जी, एक हमल ज़ाया हुआ था पिछले साल. 2 महीने का हमल था, अचानक खून छूट गया था घर में. ठीक है, आप अभी किस तकलीफ के साथ आई हैं? अभी डॉक्टर साहब पिछले 3-4 महीने से ना मुझे पेट में गोला महसूस हो रहा था. अब लेकिन वो गोला ज़रा सा मुझे लग रहा है बढ़ भी रहा है, और उसकी वजह से ना मुझे बाई टांग में थोड़ा सा जैसे दबाव सा या सूजन सी महसूस हो रही है, और अब गोला मुझे ऐसे पेट से महसूस भी होता है हाथ लगाने से नीचे की तरफ. जी, ये जो आपको गोला सा महसूस हो रहा है, ये आपने बताया 2 से 3 महीने से हो रहा है. इसके साथ साथ आपको और क्या लग रहा है? कोई दर्द है? जी डॉक्टर साहब, इसके साथ थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है. पहले वो दर्द हल्का था, अब थोड़ा सा बढ़ जाता है, ख़ासतौर पे शाम के वक्त. अच्छा, किस जगह पे दर्द है? इसी तरह गोले के ऊपर, जहाँ बाएं जानेब गोला है और वहीं पे दर्द महसूस होता है. कभी कभी बाएं टांग में जाता है और कमर की तरफ. ठीक है, जो आपको दर्द है वो आपके पीछे कमर की तरफ जा रहा है, और वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है? अब बढ़ने लगे. जैसे पैनाडॉल गोली खाती हूँ तो मुझे खानी पड़ती है, वरना मैं जैसे शाम तक काम में मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, पैनाडॉल खा लेती हूँ फिर दुरुस्त हो जाता है. और गोला भी आपको लगा है कि अब ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया? अब बड़ा हो रहा है. ठीक है, महसूस होने लगा, पहले नहीं था, भारीपन था, महसूस हो रहा है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ आपको पेशाब में तो कोई तकलीफ नहीं है? पेशाब का भी रुक गया? पेशाब आ रहा है जल्दी जल्दी. एक दिन लगा था कि रुकावट सी हो रही है, लेकिन अब सिर्फ जल्दी आता है. ठीक है, उसके साथ आपको पेशाब करने में दर्द होता हो? नहीं. ठीक है, कोई बड़े पेशाब का मसला? अब कभी कभार कब्जी महसूस होती है, जैसे मुझे जोर लगा के बखाना करना पड़ता है, वरना तो नहीं था ऐसा कोई तकलीफ. ठीक है, इसके साथ आपको ऐसा लगा हो कि माहवारी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, या माहवारी में कोई मसला है? माहवारी अब मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी बढ़ गई है, पहले से उसका अमाउंट बढ़ गया है, बहाव ज़्यादा हो गया है. आपकी बच्चेदानी के मुँह से कोई शीशे वाला टेस्ट हुआ है जिसको हम पैप स्मियर कहते हैं? ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ, वो कह रही हैं डॉक्टर यहाँ पर के लेंगी. ठीक है, आपको जो है वो शोहर से मिलने के बाद तो खून नहीं आता? नहीं. शोहर से मिलने के बाद इस बीमारी की वजह से तकलीफ होती हो? अब मैंने उसके बाद थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है. ठीक है, आपने खानदानी मनसूबा बंदी के कोई तरीके इस्तेमाल किए हैं अब तक?
जब ये अमल ज़ाया हुआ ना मेरा पिछले साल, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप कुछ तरीका इस्तेमाल करें, तो मैंने गोलियां खाई थी 3 महीने वक्फे के लिए। 3 महीने वक्फे की गोलियां खाई थी। इसके अलावा कोई, इसके अलावा हमने कभी कोई तरीका दोनों खावन बीवी ने इस्तेमाल नहीं किया। आप तक अभी तक आपने अपने हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल अच्छा अच्छा बताया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके जो आपने बताया एक बच्चा और एक बच्चा ज़ाया हुआ है, तो उस बच्चे की उम्र क्या है? जो मेरा ज़िंदा हयात जी बच्चा जो हयात, माशाल्लाह वो 3 साल का हो गया डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है। ठीक है, वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था? जी नॉर्मल। अपने पूरे वक्तों पे हुआ था? पूरे वक्त पे, 9 महीना शुरू होके भी तकरीबन आधा हो गया था, फिर दर्द लगे थे घर में, तो हुआ था नॉर्मल तरीके से करीबी अस्पताल में। ठीक है, आप डिलीवरी के वक्त या उसके बाद कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं था। हमल के दौरान कोई बीपी ज़्यादा रहा हो या कोई भी मसला? एक बार बीपी आया था, लेकिन फिर मुसलसल को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है, आपने बच्चे को अपना पूरे टाइम दूध पिलाया था? जी, बच्चे ने 1.5 साल दूध दिया था। ठीक है, आपने उसकी टीके लगवाए थे हिफाजती? जी, बच्चे की पूरे टीके, जो करीबी सेंटर है ना वहाँ से पूरे टीके लगे। अच्छा, आपने ये भी बताया कि आपका एक बच्चा ज़ाया हुआ है, जो हमल ज़ाया हुआ है वो कितने महीनों में हुआ था? 3रा महीना शुरू हुआ था कि अचानक ही घर में खून रवाना हो गया, नीचे से खून आने लगा। फिर करीबी क्लिनिक गई तो उन्होंने कहा था तकरीबन सारे टुकड़े निकल ही गए, तो दवाई खा लो। ठीक है, दवाई सफाई वगैरह नहीं हुई थी? सफाई कोई नहीं हुई थी, दवाई से ही निकल गए थे टुकड़े। ठीक है, अब मैं आपसे आपकी माजी के मुतालिक कुछ सवालात करूँगी। कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है आपको जिसके लिए आप दवाइयाँ इस्तेमाल करती हो? नहीं ना, कोई बीमारी ऐसी नहीं है बड़ी जिसके लिए मैंने मुसलसल कोई दवा खाई। अच्छा, आपको कभी अस्पताल में ज़्यादा देर के लिए अस्पताल में दाखिल तो नहीं होना पड़ा किसी बीमारी की वजह से? मुझे बचपन में एक बार टाइफाइड हुआ था, जिसके लिए मुझे 2 दिन अस्पताल दाखिल किया गया था, पेट में दर्द था, बाकी तो कोई ऐसे मसले। किसी दवाई या किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है? कभी हुई तो नहीं डॉक्टर, मैंने इतनी ज़्यादा दवाई कभी खाई नहीं है, लेकिन कोई एलर्जी नहीं है। रोज़ाना के मामूल में आप कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल करती हैं? अब ये बताया कि पैनाडोल खाने लगी दर्द की वजह से, पहले मैंने कभी कोई दवाई नहीं इस्तेमाल की। ठीक है, आपके ख़ानदान में कोई बीमारी तो नहीं है, मौरूसी मर्ज हो कोई, कोई छाती का या फिर अंडादानी बच्चेदानी या आंतों का कैंसर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ानदान में ऐसा सुना तो नहीं। हाँ, मेरी अम्मी को अब शुगर हो गई है, और जो मेरे ससुर हैं उन्हें ब्लड प्रेशर है, बाकी सब ठीक है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और कैंसर नुमा बीमारी मैंने नहीं सुनी अपने ख़ानदान में। ठीक है, आप ये बताइए कि इस दौरान में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपका वज़न बहुत बढ़ गया है या वज़न में बहुत कमी आई है? अब लग रहा है कि बढ़ रहा है, भोले की वजह से थोड़ा सा भारीपन सा है, अल्लाह जाने वज़न बढ़ा है, मैंने चेक नहीं किया वज़न। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कपड़े टाइट हो गए हैं आपको, मतलब नहीं, जिससे आपको वज़न के बढ़ने का अंदाज़ा? ऐसा ठीक है। भूख आपको ठीक लगती है? भूख सही लगती है डॉक्टर, मैं सही खाना खाती हूँ, सही खाना हजम हो रहा है। ठीक है, पेशाब से मुतालिक आपने बताया कि एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ था, इसके अलावा तो कोई भी मसला नहीं है ना? नहीं, अब मैंने अर्ज किया कि अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, वरना पेशाब में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। आपने पूछा था दर्द जलन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नींद ठीक आ जाती है आपको? नींद अब दर्द की वजह से परेशानी होती है, तो गोली खाई भी होती है उस दिन सही आ जाती है, जिस दिन पैनाडोल खा लेती है। ठीक है, अमीर आप ये बताएंगी कि आप किस जगह की रिहायशी हैं? मैं अक्सर मलीर में रहती हूँ। ठीक है, आपके घर में कितने कमरे हैं? हमारे घर में 3 कमरे हैं, एक मेरी सास और ससुर का कमरा है, 2 कमरे हमारे पास है, एक मेरी नंद रहती है हमारे साथ, गैर शादीशुदा। आपके अपने शोहर से और घर वालों से सबके साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ख्याल रखते हैं, यही ज़िंदगी है, ऐसे लड़ाई झगड़े से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। जी, इसके अलावा आप कुछ भी अपने बारे में बताना चाहें? बस अब मुझे घबराहट होने लगी कि मुझे क्या बीमारी हो गई है, मैं तो सारे घर के काम करती थी, ये दर्द और ये सब की वजह से मुझे अब परेशानी होने लगी है। मेरी नंद से मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, खावन तो सारे काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, और सास ससुर बुजुर्ग हैं, मैं उनसे नहीं कहती, लेकिन मैं अपनी नंद से अक्सर कहती रहती हूँ, मैं फिक्रमंद होती हूँ अपने बारे में। आप हमीदा परेशान नहीं हो, अब मैं आपका मुआयना करूँगी जिससे हमें गोले की नौयत का पता चलेगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ टेस्ट लिख दूँगी ताकि हमें और आपकी बीमारी के बारे में पता चले। मुआयने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी डॉक्टर साहब ज़्यादा? नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको तकलीफ ना हो, आप तावन कीजिएगा और मुआयना और रिपोर्टों के बाद बीमारी का अंदाज़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब।